हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी अभ्यर्थियों का, सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आप सभी की रिक्वेस्ट पर, आप सभी की मांग पर हम ये सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात जानेंगे कि वर्ग एक गणित, वर्ग एक मैथ में कैसे होगा सिलेक्शन। और यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं फुल एक्शन प्लान की कि पढ़ाई कैसी करनी है हमें कि सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, कोई एक पॉइंट की ये बात नहीं है, हमें बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस करने पड़ेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। ओके, और हम थोड़ा सा इसमें पार्ट टू जो है इसमें सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा, इस सेशन को स्टार्ट करने में कई पॉइंट में सेशन कम्प्लीट होगा। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा सेल्फ स्टडी। ओके, तो जो सेल्फ़ स्टडी का पोर्शन है, आपको मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे एमपी पीजीटी एमपी टेट कह लीजिए, वर्ग एक कह लीजिए, अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कम से कम आपको आज से 6 आवर की मिनिमम सिटिंग आपको देनी पड़ेगी, 1 टाइम सिटिंग। ओके, आपकी बाकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और आपका कैलिबर जो आप सीखते हैं उसके हिसाब से कम 6 घंटे से ले करके 10 घंटे की आपको पर डे सेल्फ स्टडी चाहिए। ठीक है, इतनी सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। सवाल उठता है कि सर एक बार की सिटिंग कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 टाइम जो सिटिंग है, मेरे एक्सपीरियंस से आप जो है 2 आवर की कम से कम एक बार की सिटिंग निकालिए। अगर 3 आवर की कर लेते हो तो बहुत शानदार। जैसे अपन एक बार में 3 घंटे में पिक्चर देख लेते हैं और 3 घंटे की पिक्चर में हम कभी उठते भी नहीं हैं कई बार, तो ऐसे ही आप अगर 3 आवर की सिटिंग निकाल ले रहे हो ना, तो मतलब फिर तो आपकी आदत बहुत अच्छी है। तो 2 आवर की मिनिमम और 3 आवर की जो है मैक्सिमम जो है आप सिटिंग निकालिए। ओके, दूसरा टाइम कौन सा प्रेफर करें पढ़ने के लिए? तो पढ़ने के लिए जो आपकी टाइम है उसको ऐसा बनाइए कि एक मतलब एक कैलिबर जोन ऑफ टाइमिंग आप जो है उसको सजेस्ट कर लो कि मेरे को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप जब सो करके उठते हैं तो आपका दिमाग जो होता है बहुत एक्टिव मोड में रहता है, तो जो आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उनको आप अपने एक्टिव मोड में ले जाइए। ओके, एक्टिव मोड में ले जाइए। जैसे सुबह सवेरे उठ करके जब आप सो के उठते हो तो आप उसको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को एक्टिव मोड में डाल दो। जैसे बीएससी और एमएससी के कुछ टॉपिक हैं उनको आप जो है एक्टिव मोड में डाल दीजिए। ठीक ना, फिर आपका एवरेज ड्यूरेशन शुरू हो जाता है, एवरेज वाला टाइम। ओके, तो दोपहर का वक्त जो है आपका वो आप एवरेज टाइम में डाल दो। ठीक ना, और फिर जब आप थक जाते हैं तो आप इजी टॉपिक्स जो क्लास 7th के 8th के 9th के सिंपल जो अर्थमेटिक है आप उसमें इस टाइम को, शाम का वक्त जो है आपका वो इजी टॉपिक्स में आप डील करिए। ठीक है ना, अभी हम सारी बातें आपको बताएंगे, पहले हम टाइम मैनेजमेंट पे चल रहे हैं कि इस तरीके से आप अपने टाइम को एडजस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। सेल्फ स्टडी बहुत कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, किताब लेकर के आइए। ओके, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। देखिए, मैं दूसरी बात करता हूँ आपसे कि स्पीड अप कैसे करना है। तो स्पीड अप के लिए आपको करना क्या है कि अपने लिए पर डे आप जो है कोशिश कीजिए, अभी तो नहीं, जैसे आप यदि सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं तो ठीक है, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका एंड पे आएगा आप अपने एक सैम्पल पेपर ले लीजिएगा। मार्केट में बहुत से पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आया करते हैं, उन सैम्पल पेपर को लेकर के आप अपना जो 2 आवर्स का टेस्ट है ओके, उसको आप ऑर्गेनाइज करिए। और 2 आवर के टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के बाद आप डेली बेसिस पे एक पेपर लगाइए। ओके, तो जो आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी, केवल इस चीज़ से आप स्पीड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मार्केट में बहुत सारे पेपर्स आते हैं, आप उनको ले करके कोई भी पेपर ले लो किसी पब्लिकेशन का, बस थोड़ा देख लेना कि मिस्टेक ना हो, तो उसको ले करके आप डेली एक पेपर लगाइए 2 आवर्स का। कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी में लगाने में, अपनी स्पीड को बिठा लिए तो उससे आपकी स्पीड की प्रॉब्लम जो है वो एंड हो जाएगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको किन किन बुक्स से तैयारी करनी है। जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो बुक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन बुक्स से तैयारी करनी है। देखिए, मोटा तौर पे जो सिलेबस आपका एमपी टेट का ग्रेड 1 का मैथ्स का जो शुरुआत होता है वो क्लास 8th से ले करके पूरा एमएससी प्रीवियस तक का सिलेबस एक्चुअली इसमें दिया रहता है। ठीक है ना, और अलग अलग साल इसके पेपर अलग अलग आते हैं, कभी ये इंटर तक का लेवल बढ़ा देता है, 10th to 12th तक का बढ़ा देता है, कई बार बीएससी लेवल बढ़ा देता है, कई बार एमएससी लेवल बढ़ा देता है। तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को
अपनी पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा, मगर मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि थोड़ी सी आपकी तैयारी हल्की बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लास 8th 9th 10th, ओके, इनको आप अपने ईजी जोन टाइम में रखिए। कहाँ पर रखिए? ईजी जोन टाइम में, जब मतलब आप थके हुए हों तब आप इनको पढ़ें, जब क्योंकि ये इसका कंसेप्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आपको जो है ये तभी ये समझ में आ जाएगा। तो 8th 9th 10th जो है ये ईजी जोन में भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थके हुए हों जब आप, तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, मतलब रिलैक्सफुल टाइम में इसको करिए, जब आपको ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग वर्किंग स्टेज में ना हो तब करिए। अब 8th 9th 10th के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। 8th 9th 10th के लिए आपको दो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा। नंबर वन, आप एग्जाम्पलर ख़रीद लीजिए NCERT का, ओके। NCERT की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक आती है, क्या है बुक का नाम? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। बस आपको ये लगाना है, ठीक है ना, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। तो ये बुक आपको लेनी है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की, और इसके क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे जितने भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप फुल स्पीड में लगाइए तो वो ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे, और ऑब्जेक्टिव तो उसमें बहुत प्यारे दिए हुए हैं। तो 8th 9th और 10th के लिए, 8वीं 9वीं 10वीं के लिए आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ले लीजिए, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को आप पूरा पूरा लगा डालिए। इससे जो आपका जो बेसिक अर्थमेटिक वाला पार्ट है, ठीक ना, बेसिक एलजेब्रा वाला पार्ट है, वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको 8th 9th 10th के लिए ये कि जो पहला वाला पार्ट है अर्थमेटिक, ये आपका एग्जाम्पलर की बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी बुक लेनी है आपको? एग्जाम्पलर 8th की 9th की 10th की, और ये जो चैप्टर इसको दिए हैं, जैसे नंबर्स दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो खैर एक अलग चैप्टर आपको आ जाएगा, वो मैं अलग बताऊंगा। यूनिटरी मेथड क्लास 8th में है, एवरेज 8th में है, प्रॉफिट लॉस 8th में है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ये 8th में है। देन इसके बाद 9th एंड 10th में मास, कैपेसिटी, टाइम, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मल्टीपल एंड फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कुल मिला के ये जो चैप्टर हैं आपके 8th 9th 10th में आपको मिल जाएंगे। देन 9th और 10th में आपका मेंसुरेशन आता है, ये भी आप उसी एग्जाम्पलर बुक से बहुत अच्छा कर लेंगे। पेरीमीटर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब्स, क्यूब, क्यूबॉइड, ओके, कोन्स, स्फीयर एंड सिलेंडर, तो ये बहुत बढ़िया आप किससे कर लेंगे? जैसे लास्ट ईयर इसका एक क्वेश्चन जो आया था 2018 के एग्जामिनेशन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और वो भी एग्जाम्पलर बुक के लेवल का वो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। देन इसके बाद आती है बात इंटर लेवल तक का काम, कि क्लास 11th एंड 12th कैसे करेंगे। देखिए, तो मैं आपको सब कहूँगा कि 11th और 12th वाला जो पोर्शन है वो आप अपने हाई एनर्जी जोन में पढ़िए, ओके। किस जोन में पढ़िए? हाई एनर्जी जोन, मतलब ये आपको सबसे बढ़िया, जब आपकी एनर्जी है तब आपको ये कवर करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसेप्टफुल यही है, मतलब इसको, इसमें आपको सबसे ज़्यादा भेजा लड़ाना है अपना, सबसे ज़्यादा कंसेप्टफुल। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है। सबसे बेस्ट बुक मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, एक तो इसकी बेस्ट बुक आती है, आप इसके लिए लगाइए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लगा डालिए, ओके। सब्जेक्टिव नहीं लगाना, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब के कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लगानी है। और दूसरी, मैं आपको बहुत अच्छी बुक बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही प्यारी बुक है, हमने खुद इस बुक को लगाया था, बहुत मतलब आराम मिला इस बुक से। एक बुक आती है सेंट्रल पब्लिकेशन की, सेंट्रल पब्लिकेशन की आती है संविदा वर्ग एक के नाम से, ओके, सेंट्रल पब्लिकेशन की संविदा वर्ग एक के नाम से ये किताब आती है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद आपको साबित होगी। सेंट्रल पब्लिकेशन की संविदा वर्ग एक के नाम से ये जो किताब आती है बहुत फ़ायदा करेगी, ओके। तीसरे नंबर पे अगर आपको वक्त मिल जाता है तो अरिहंत की एक आती है बुक जिसका नाम है KVS, केंद्रीय विद्यालय सिलेक्शन वाली किताब, तो ये भी बहुत प्यारी किताब है, अरिहंत की केंद्रीय विद्यालय सिलेक्शन की किताब, इसको भी आप लगाइए, आपको बहुत अच्छी तैयारी मिल जाएगी। तो आपको क्या क्या लगाना है? नंबर वन पे एग्जाम्पलर रखिए, एग्जाम्पलर की जब पूरी प्रैक्टिस हो जाए, किस किस की, 11th की और 12th की,
ओके। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेंट्रल पब्लिकेशन आप लगा लो, बहुत मस्त किताब है सेंट्रल की। फिर उसके बाद में अरिहंत आपने दे दिया, तो इतनी ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी 11th और 12th की कि भाई पूछो मत, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लो इतना काम। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो 11th में आपके 11th और 12th में कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे मैं वो बता देता हूँ। देखो भाई, जैसे कि 11th और 12th में ये 12th का टॉपिक है ना, यूनिट नंबर 3, क्लियर है ना, ये आपका 12th का टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा। देन इसके बाद ये जो है रिप्रेजेंटेशन यूनियन इंटरसेक्शन (1, 1, 2), हाँ ये भी जो रिलेशन एंड फंक्शन, ये 11th का टॉपिक है, ये भी मस्त कवर हो जाएगा। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरम्स, ज्योमेट्रिकल शेप कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज, पैरेलल लाइन, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये हल्का सा 9th क्लास का है, ओके। एंड 9th क्लास के बाद में यहाँ पर जो है ये 12th क्लास का है, फैमिली ऑफ सर्किल कोनिक सेक्शन, पूरी 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी आ रही, देखिए हाँ। तो ये 9th का है और 12th का है, तो ये एग्जाम्पलर इसमें बेस्ट काम करेगी। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है स्टेटमेंट वाली बात है, तो ये क्लास 11th का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, ये भी क्लास 11th का है, ओके। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी क्लास 11th का है। देन इसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा शुरू हो जाती है, तो लीनियर अलजेब्रा आपको पता होगा, आपने इसमें पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ आप कौन सी बुक आपको यूजी एंड पीजी के लिए यूज़ करनी है, यूजी एंड पीजी आपको कैसे पढ़ना है। देखो बच्चों, इसको आपको बिल्कुल डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, इसको केवल आपको सरफेस टच करनी है, बस ऊपर ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा ना एकदम बाहर से आएगा, फॉर्मूले बेस्ड। तो इसमें आपको पूरा दिमाग किस में लगाना है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसके फॉर्मूले आप याद कर लो, फॉर्मूले बेस्ड इसके क्वेश्चन आते हैं, ऊपर ऊपर से आते हैं यूजी पीजी के, ओके। इसमें ज़्यादा आप डिटेल में जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भाई 5 साल तक की बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है, उसको आप 3 महीने में तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए केवल आपको फॉर्मूले, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले याद रखने हैं, ओके, आपको कंडीशन याद रखनी है किसकी, इसकी सिस्टम आपका जो है ये कैसा होता है सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको पैटर्न याद रखने हैं। तो मैं इसके लिए आपको बोलूँगा एक बुक आती है इसकी अरिहंत की, ओके, अरिहंत एमपी टेट वर्ग एक करके ऐसी कोई किताब आती है रेड कलर की, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उतना पार्ट इससे कर लीजिए। यूजी पीजी का पार्ट ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं घुसना है, आप यूजी पीजी वाला पार्ट जो है अरिहंत की किताब से कर लीजिए, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और मेनली इसके फॉर्मूले आपको याद हो गए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारे लंबे लंबे फॉर्मूले आते हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं इसमें, ठीक ना। तो मतलब डायरेक्टली ऑप्शन में आपको 4 फॉर्मूले रहेंगे, एक गलत रहेगा, 3 गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा, आपको वो फॉर्मूले में ही सही करके आना है। तो ये आप जो है ये वाला आप मेथड लगाइए। अब लीनियर अलजेब्रा जो है ये यूजी का टॉपिक है, बीएससी का टॉपिक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही अरिहंत वाली यूज़ करिए। देन इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, ग्रुप थ्योरी वगैरह है, तो ग्रुप थ्योरी वगैरह के लिए आप भी आपकी अरिहंत की किताब, यूजी का टॉपिक है ये भी, आप इसमें अरिहंत की किताब यूज़ कर लीजिए। देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपकी यूलर्स थ्योरम वगैरह, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ओके, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशियन ग्रुप, मतलब पूरी ग्रुप की थ्योरी इसमें आ रही है, टाइप ऑफ अबेलियन ग्रुप, ग्रुप की प्रॉपर्टी, रिंग थ्योरी, ये सारी की सारी आप अब्स्ट्रैक्ट में जो आता है ये आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आता है क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपका बूलियन फंक्शन आते हैं, ओके, तो बूलियन में जो सेपरेबल एंड कॉम्बिनेटोरियल नॉर्मल फॉर्म्स हैं ये देखिए, जो भी थ्योरम्स हैं आपके, मैक्सिमम एंड लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, ये भी आपका, देन इसके बाद लैटिस है, ग्राफ है, ट्री है, तो ये पूरी की पूरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये आप अरिहंत की बुक से, शॉर्ट में वहाँ पर दिया हुआ है, अरिहंत की बुक से आप कर लीजिए। देन यूनिट नंबर 10 में आते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें देखिए फंक्शन है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब पूरा क्लास 12th यहाँ पे ला दिया एक तरीके से, ओके। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरी क्लास 12th की है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप जो है एग्जाम्पलर से कंप्लीट कर लीजिए, पूरी एग्जाम्पलर से। देन इसके बाद कैलकुलस आ गई यहाँ पे, लेबनीज थ्योरम, मैकलोरिन टेलर्स थ्योरम सीरीज, तो ये जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत अच्छे से कराया गया, किस बुक में, अरिहंत की बुक में कराया गया, यूजी वाली जो बुक आती है अरिहंत की, जो मैंने आपको बताया वो। फिर इसके बाद एडवांस कैलकुलस है,
ओके। एडवांस कैलकुलस के लिए भी आप जो है, मैंने अरिहंत की ये यूजी का पोर्शन है मैंने बताया, जो आपको अरिहंत की बुक इसके लिए यूज़ करनी है, ठीक है ना। देन इसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर ग्रेजुएशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ओके। इसमें काफ़ी सारी मेथड्स आती हैं, चारपेट मेथड आती है, ओके, लैग्रांजेस सब्स्टिट्यूशंस आते हैं इसमें। तो आप जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी इसी में, बेसेल्स इक्वेशन भी, लीजेंडर इक्वेशन भी इसी में है। तो ये जो है सारा का सारा आप कर लेंगे किससे, अरिहंत की बुक से कंप्लीट करिए इसको। देन वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, फाइंड आउट अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, स्क्यू लाइंस, स्केलर वेक्टर, प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस। तो थोड़ा पार्ट तो इसमें आपको क्लास ट्वेल्थ का मिला हुआ है और थोड़ा पार्ट आपको ग्रेजुएशन का मिला हुआ है, तो आप अरिहंत की बुक फॉलो कीजिए। लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, हाँ, इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको ट्वेल्थ का है। एंड कॉजे स्वाड्स इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी ऑफ मींस, है ना, ये आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पता होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे निकालते हैं, ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है। तो इसके लिए आप, इस चैप्टर के लिए आप NCERT बुक के को प्रॉब्लम छोटे छोटे करके चले जाइएगा, वो काफ़ी है। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बोलूँगा फुल टू एग्जाम्पलर पे बिलीव करिए, बहुत मस्त बुक है, एग्जाम्पलर से बाहर क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी प्रॉपर्टीज आती हैं, आप एग्जाम्पलर लगाइए। बेसिक एल्जेब्रा में देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन, वन एंड टू वेरिएबल एंड देयर एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो ये एल्जेब्रा वाला पार्ट है इन वन एंड टू वेरिएबल, तो इसको आप वही एग्जाम्पलर से सॉल्व कीजिए, नाइन्थ क्लास का एग्जाम्पलर, टेंथ क्लास का एग्जाम्पलर, सीक्वेंस एंड सीरीज, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और KVS की बुक लगाइए। मैट्राइसिस स्पेस, इसके लिए आप जो है पूरा का पूरा मैट्राइसिस दिया गया है स्पेसिस में, है ना। इसके लिए अंडर ग्रेजुएशन आपको अरिहंत की बुक यूज़ करनी है। रियल एनालिसिस पूरा अरिहंत से काम चल जाएगा, अरिहंत करिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मतलब थोड़ा सा इसमें 11th का पार्ट दिया गया, थोड़ा यूजी का पार्ट दिया गया है, तो आपको इसमें या तो एग्जाम्पलर यूज़ करना है और साथ ही साथ आपको क्या यूज़ करनी है, अरिहंत यूज़ करनी है। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन रेंज, मीन डेविएशन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, 11th क्लास की एग्जाम्पलर से एक क्वेश्चन आपको पक्का बनेगा, पक्का बनेगा, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये भी आपका क्लास ट्वेल्थ की जो एग्जाम्पलर बुक है वो वाला पार्ट आप यहाँ से कर लीजिए। सिलेबस थोड़ा सा इन लोगों ने सही किया है, पहले बहुत सारा सिलेबस था, इसको कुछ कम करके शायद थोड़ा सा ठिकाने लगाया है। तो ये है पूरा तरीका आपको पढ़ने का। आप इन बुक्स का नाम जरूर याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई है, 9 से लेकर 12 तक, इनफैक्ट 8 से लेकर 12 तक आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम यूज़ करनी है, ओके। ज़्यादा दिक्कत हो तो वर्ग 2 के जो पुराने पेपर हैं मैथ्स के वो लगा लीजिएगा, तो आपको जो अर्थमेटिक का अंदाज़ा है बहुत शानदार हो जाएगा। किस तरीके का, जो अपना जो पहले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, जो कर्मचारी चयन आयोग बन गया, उनका पेपर कैसे सेट होता है, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सेंट्रल पब्लिकेशन की बुक लगाइए, अरिहंत का, KVS का बुक लगाइए, ओके। और फिर इसके बाद UG एंड PG के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको केवल अरिहंत की MP TET की बुक लेनी है। तो अब यदि इसके बाद आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या दिक्कत है। वैसे इतने में आपका फुल एक्शन प्लान मैंने बता दिया आपको, इतने से आपकी तैयारी बहुत हो जाएगी। अभी 3 महीना 2 महीना जितना भी आपके पास समय बचा है, बहुत समय है, मस्त से तैयारी करो, खूब समय है, दिन रात एक कर दो पढ़ाई करके, है ना। आपके अंदर खूब नॉलेज भी आएगा, खूब अच्छा सीखोगे और मज़े से एग्जाम भी क्रैक होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। धन्यवाद।